नमस्कार साथियों, आज हम बात करें सऊदी के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी के बारे में कुछ अपडेट ऐसी आती रहती हैं, आप सबको पता होगा। और सऊदी का पता है, जो 10वीं पास इंडिया की अगर बात करें तो 10वीं पास लोगों को इमिग्रेशन क्यों करवाना पड़ता है, इसका रीज़न ये है कि सऊदी में कानून जो व्यवस्था है ना, वो नियम सख्त हैं, लेकिन फिर भी इंडियन सरकार की नज़र में वर्करों को पूरी वो चीज़ें, वो सहूलियत, वो उनका अधिकार नहीं मिल पाते जो अन्य देशों में मिलते हैं, समझ गए। बहुत सारे देश ऐसे हैं, इसीलिए इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन होने की वजह से इंडियन एम्बेसी में उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, तो उस वजह से उसका कुछ हद तक उसका शोषण होने से बचा जा सके। इसीलिए आपको पता है 2014 के बाद में पासपोर्ट में इमिग्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया था, आप सबको पता होगा, वो अगर अलग डिटेल है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सऊदी अरबिया में, जी हाँ, वर्करों के साथ होने वाले अत्याचार के बारे में बात करेंगे। 3 केस स्टडी हम करेंगे और आप लोगों को जान लेना चाहिए, तो आप चाहे तो आप सऊदी जाना चाहते हैं या सऊदी में जॉब कर रहे होते हैं, नो डाउट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इंडिया से जाना चाहते हैं। और आप हो सकता है कमेंट भी कर सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भाई, सब होता है। जिनके ऊपर बीतती है ना, उसको पता लगता है कि उनके वहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, वहाँ के लोग उनको कैसे परेशान करते हैं। महिलाएं भी अछूती नहीं हैं, बच्चियाँ भी अछूती नहीं हैं, या फिर जो लोग काम करने वाले हैं वो भी अछूते नहीं हैं। लेकिन हालांकि मानते हैं सऊदी का कानून सख्त है, लोगों की फटती है, इस वजह से वो लोग, देखिए क्राइम कहाँ नहीं होता, जहाँ पे पिछवाड़े में उनको पता है कि गलती कर दी तो हमारी मौत निश्चित है, या नॉर्मल भी कोई कांड कर दिया तो हमें लंबे समय तक जेल रहना पड़ेगा, निश्चित है, इस वजह से लोग डरते हैं। फिर भी अपवाद हर जगह होते हैं, हालांकि सरकार कोशिश करती है, हम ये नहीं कहते सरकार कोशिश नहीं करती है। यहाँ पे हम बात करेंगे, 2 मजदूर थे जो सऊदी अरबिया में काम कर रहे थे। जी हाँ, वहाँ का आपको पता है, वहाँ उनका वो मालिक था उनका, वो उनको लेके चला गया अपना, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होगा, खेत होगा, कुछ भी उनका होगा वहाँ पे रेगिस्तान में। जी हाँ, आहिल, आपको पता है जो दुबई में रहते हैं, आहिल के नाम से जानते हैं, आहिल अल नबद, जी हाँ, रेगिस्तान, वहाँ पे वो 2 बंदों को लेके गया, वहाँ पे उनको काम करवाया, काम देखिए काम करवाने के बाद उनको वहाँ पे उनको छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि हमें शहर तक पहुँचा दीजिए, मना कर दिया जी, क्योंकि वो तो मालिक है ना, और इंडिया के दूसरे देशों के लोग वहाँ पे गए हुए, वो उनकी नज़रों में ठोकरों में समझते हैं वो। उन्होंने अपनी गाड़ी से उनको बैठाने से मना कर दिया और दोनों को वहीं का वहीं छोड़ दिया। रेगिस्तान, आपको पता है सऊदी का रेगिस्तान, दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई छांव नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, आदमी भूखे प्यासे मर सकता है। वो बंदा छोड़ के उनको आ गया, तो उन्होंने एक फैसला किया कि भाई हम पैदल चल के सफ़र तय करेंगे। जैसे वो पैदल निकले, 2 दिन तक घूमते रहे, लेकिन वो रास्ता भटक गए। आपको पता है आंधियां चलती हैं, टिल्ले टिल्ले पड़े हैं, रास्ते का पता ही नहीं, हम जा किधर रहे हैं। मजदूर आदमी बेचारे, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, उनको नहीं पता, तो वो रास्ता भटक गए। जी हाँ, उनकी स्थिति हो गई ख़राब। 2-3 दिन तक वो नहीं पहुँचे, तो फिर उनके कोई रिश्तेदार वहाँ पर सऊदी अरबिया में काम कर रहे थे, उन्होंने सूचना दी पुलिस को कि हमारे ऐसे ऐसे बंदे गए थे, वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे, उनका कोई संपर्क नहीं है। फिर पुलिस ने भी, भाई देखिए कानून वैसे अच्छा है, हम बुरा नहीं मानते, लेकिन जो गलत करते हैं ना, हम उनकी निंदा कर रहे हैं उसमें, पुलिस का कानून के बारे में हम गलत नहीं बोल रहे, लेकिन देखिए अपवाद हर जगह होता है, नो डाउट। ये हमने कभी नहीं कहा कि सऊदी का कानून बेकार है, सऊदी की पुलिस बेकार है, सब अच्छे हैं। जैसे पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने ढूंढने के लिए पूरा सिस्टम लगाया, हेलीकॉप्टर से भी बता दूँ उनकी तलाश की गई, क्योंकि रेगिस्तान में हजारों किलोमीटर में रेगिस्तान है, तो ऐसे तो नहीं दिख सकता, तो हेलीकॉप्टर से फिर देखा गया कि भाई कहीं पे ये दिखे, तो एक टिल्ले के नीचे 2 बंदे बैठे हुए दिखे, तो उनको फिर उनको रिकवर किया गया, उनके पास गए, उनको पानी पिलाया गया, तब उन्होंने बताया कि हमारे मालिक को हमने बोला कि हमें छोड़ दो, लेकिन उन्होंने हमें यहीं छोड़ दिया। अगर वो रिश्तेदार उनकी शिकायत नहीं करते तो 100% वो लोग भूखे प्यासे वहीं पे मर जाते तड़प के। गलती किसकी है, मालिक की हम बात कर रहे हैं, हम सऊदी कानून और वहाँ का सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हरामी वो हैं जो अपने वर्करों को वर्कर नहीं समझते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको लगता है कि ये तो कुछ नहीं है हमारे सामने, हमने पैसा, अरे पैसा दिया तो भाई काम भी करवाते हो, तो ये गलत बात है ना, चलो इनको रिकवर कर लिया गया। सऊदी अरबिया में छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं जी ऐसा तो कानूनी नहीं है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन जी हाँ ये न्यूज़ निकल के आई है, इसलिए मैं आप लोगों में बातें शेयर कर रहा हूँ। सऊदी में उन बच्चों को वहाँ पर भेजा जाता है जो तस्करी करके दूसरे देशों से लाए जाते हैं। बता दूँ राजस्थान में पिछले 1 साल के दौरान, साल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन समथिंग एक न्यूज़ मेरे आई थी, आंकड़े ध्यान में नहीं है, 1570 बच्चों का अपहरण हो गया, यानी वो गुमशुदा हो गए, गुम गए, पता नहीं लगा उनका कहाँ गए,
राजस्थान अकेले की बात कर रहा हूं मैं, पूरी इंडिया से कितने बच्चे महीने के गुम होते होंगे। आपको पता है इन बच्चों का कहीं ना कहीं दूसरे देशों में एक्सपोर्ट, फिल्में भी देखते होंगे यार, साउथ वाली फिल्मों में तो ऐसा दिखाया जाता है, बच्चों को एक्सपोर्ट करना, बच्चियों को एक्सपोर्ट करना, वहां बेच देना, उनके अंग निकाल लेना, ऐसा प्रोसेस देखा होगा आपने। तो ये प्रोसेस सेम उनसे बच्चियों को दूसरे देशों से लाके वहाँ पे भिक्षावृत्ति यानी तस्करी के तहत लाके उनसे भिक्षावृत्ति करवाई जाती है और वो मोटा पैसा कमाया जाता है। हालांकि ये वहाँ के एक मैटर उछला है। सऊदी की बता दूं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन सदस्य है डॉक्टर सारा आबेद, जी हाँ, अल करीम, उन्होंने ये मैटर उछाला है। उन्होंने बोला है कि इनका समाधान किया जाए, इनके दो समाधान हो सकते हैं, या तो जिन देशों के बच्चे हैं उनको वहाँ पे वापस भेजा जाए, या फिर इन बच्चों को अपने सऊदी अरबिया में इनका संरक्षण किया जाए, पालन पोषण किया जाए, सही तरीके से उनको गाइड करके उनको तरीके से बसाने की कोशिश की जाए। ये सऊदी अरबिया में बच्चों के साथ में भिक्षावृत्ति का सिस्टम चल रहा है। एक अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, यानी ये तो देखो मामूली सी बात है, इसमें हम कानून को दोष नहीं दे सकते। छेड़ने वाला गलत था, कानून तो गलत नहीं था ना। हालांकि उसको पकड़ भी लिया गया, उनको ब्यूरोक्रेसी जो जेल में भी उनको डाल दिया गया, उनको सजा हो जाएगी नो डाउट, क्योंकि सऊदी का कानून अच्छा है, सजा तुरंत मिलती है जो इंसान गलत करता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जो लोग आप सऊदी जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 लाख से प्लस लोग इंडिया के वहां पे रहते हैं, कानून अच्छा है, डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहना, सतर्क रहना, आपके आपके मौलिक अधिकार हैं जो सऊदी लेबर लॉ में बताए गए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जिम्मेदारी, हर इंसान को आत्मसम्मान का अधिकार मिला है, जी हाँ, चाहे वो छोटा सा छोटा चप्पल साफ करने वाला हो, जूती साफ करने वाला, या फिर सफाई कर्मी से लेके बड़ा, चाहे कितना ही बड़ा 30 मार का क्यों ना हो, अधिकार सबको आत्मसम्मान का बराबर दिया गया है। जी हाँ, आप सऊदी में काम करते हैं, अपने अधिकारों के साथ अच्छी तरीके से काम करिए, इज्जतदारी से, और जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ रहना गलत है भाई, मेरी सोच ये है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।